सीधे ले चलते हैं लाइव गोरखपुर, जहां गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है और इस गरीब कल्याण कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों को उन्होंने अपने कर कमलों से सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत का है, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, किसानों को मिलने वाली सुविधा का लाभ हो, सब्सिडी का लाभ हो, या किसान को मिलने वाली किसान के यंत्रों को ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराने, कोई सपना होता था पहले कि किसान को भी ट्रैक्टर मिल पाएगा, लेकिन आज किसान को ट्रैक्टर अभी रघुपति यादव को इसी मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से एक ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। ऐसे ही अनेक कार्य, ऐसे अनेक किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ हो रहा है। और इस लाभार्थी परक गरीब कल्याण सभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित हुए हैं, मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर की दृष्टि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन और भी महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं आज वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की जनता ने 2/3 से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। और अध्यक्ष जी, इसमें गोरखपुर कमिश्नरी ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। 28 में से 27 सीट गोरखपुर कमिश्नरी ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले हैं। आज आपका सबसे पहला कार्यक्रम शपथ ग्रहण करने के बाद गोरखपुर में हुआ है, मैं इसके लिए आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका स्वागत इसलिए भी करता हूं कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गोरखपुर की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बीमारी इंसेफ्लाइटिस के समाधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आपको इसकी जिम्मेदारी दी, तो आपने सबसे पहले यहां पर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई और फिर गोरखपुर का एम्स, जिसे अभी आप देखते हुए आ रहे थे कि वाह क्या भव्य बिल्डिंग बनी हुई है लोगों के उपचार के लिए, यह भव्य बिल्डिंग आप ही के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने स्वीकार किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की टीम ने जब काम किया, इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। आज हम कह सकते हैं कि इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन अंतिम चरण में चल रहा है। इंसेफ्लाइटिस अब किसी मासूम बच्चे की मौत नहीं होगी, क्योंकि यह आज तो हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यहां पर बस्ती के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए आप स्वयं आए थे, सिद्धार्थ नगर में भी माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम लोगों ने जनपद सिद्धार्थ नगर में कर लिया है। देवराहा बाबा के नाम पर देवरिया में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो गया है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो रहा है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य हो रहा है। पीपीपी मोड पर महाराजगंज जिले में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है और कमोबेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में आज मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो रहा है। और उत्तर प्रदेश 75 जनपद हैं, लेकिन एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की दिशा में भी उत्तर प्रदेश ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम हर प्रकार की सुविधा, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बल्कि स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उपलब्ध करा सकें। और आज उन्हीं स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। महिलाओं के लिए सामूहिक विवाह की योजना हो या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ, प्रदेश के अंदर 12 लाख से अधिक कन्याओं को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। और सामूहिक विवाह योजना में अब तक 2 लाख कन्याओं का सामूहिक विवाह की कार्रवाई को संपन्न करने में भी हमें मदद मिली है। इसी के साथ
वर्तमान में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली फिट करने के लिए वह नौजवान अपने आप को आज केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना और स्कीम के साथ जोड़ने के साथ ही अपने आप ही अपने स्किल को डेवलप कर सकें। आज हम लोगों ने अपने डिजिटल यूथ के नाम पर भी हम लोग एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें स्नातक और परास्नातक हर नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की एक बड़ी कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया है। अब तक 16 लाख नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा चुके हैं और प्रदेश के अंदर अगले कुछ वर्षों के अंदर 1 करोड़ नौजवान को और 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई को भी संपन्न करने का कार्य करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा,